वेलकम फ्रेंड्स, आपकी एक नई क्लास एक नई उम्मीद के साथ। आप लोग बहुत अजीब सा चीज देख रहे होंगे ना, ये आपके काम का है। अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो कृपया जल्दी से नोट कर लें और फिर हम आगे चलते हैं, जिसमें आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड, मोबाइल नंबर दिया गया है। आप कंप्लीट कोर्स अपना प्राप्त करना चाहते हैं क्लास 10th का, स्टेट सीटेड, RRB में NTPC ग्रुप डी या फिर SSC का, कोई भी वन डे एग्जाम का मैथ, तो आप इन नंबरों पर संपर्क करें और दिए गए इंस्ट्रक्शन का पालन करें और कंप्लीट कोर्स अपने घर बैठे पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखते हैं कक्षा 10 NCERT गणित, आगे देखते हैं। देखिए, ये क्लास आपको बिल्कुल फुल HD क्वालिटी में दिख रही है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कृपया क्वालिटी को सेटिंग से चेंज कर लीजिए फटाफट, और इस व्हाट्सएप नंबर पर JOIN ज्वाइन लिख करके भेजें, जिससे कि आपकी क्लास ज्वाइनिंग हो सके, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं कक्षा 10 NCERT गणित, सुबह के 8 बज चुके हैं और आप जुड़ चुके हैं PVR स्टडी की लाइव क्लास के साथ। जी हाँ, कक्षा 10 NCERT गणित अभ्यास 5C का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, 34 + 32 + 30 + …10, क्या करना है, इसका योगफल ज्ञात करना है। आप जानते हैं योगफल के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है, वो ये SN इक्वल आपका होता है N/2 और ये 2A प्लस N-1 इंटू D। आपको D, N और अंतिम पद यानी ये सब चीज जरूरत होती है, बट यहाँ पे दिया क्या है ध्यान दीजिएगा, इतना तक बोला है ना, यानी यहाँ पे N नहीं है, ये अंतिम पद नहीं है। आपको दिया क्या क्या है देखिए, जो जो दिया है पहले उसको रख देंगे, हमें अभी निकालना है यहाँ से N का मान। A दिया है 34 यानी पहला पद, D दिया है -2 जिसे सर्वांतर बोलते हैं, 34 से घटाएंगे जब 32 से 34 तो -2 आएगा ना, ये सर्वांतर आप लोग पढ़े होंगे, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। AN दिया है आपको 10, ये AN, आप ये फार्मूला लगाएंगे AN इक्वल A प्लस N-1 इंटू D। देखिए, हाँ जी बिल्कुल, ये फार्मूला में मान रखिए फटाफट, अभी आपको एक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी जिसे आप यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब हम मान रखेंगे तो A का मान 34 प्लस N का मान नहीं मालूम, -1 इंटू D का मान -2, हल कर लीजिए। AN का मान 10 दिया है, ये हो जाएगा 34, N का इसमें गुणा होगा, ये -2N और +2, 34 हो जाएगा 36 है ना, ये 34 और ये 36 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 10 - 36 इक्वल -2N, यानी कि कंप्लीटली N बराबर आ जाएगा -26/-2, माइनस से माइनस कट जाएगा और N का मान आपका 13 आ जाएगा, जिसे आप 13/N या N/13 लिखवाएंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये N की वैल्यू जो आ गई ना, अब इसी को हमें योगफल वाले सूत्र में रख देना है और आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा, फटाफट नोट कर लें। देखिए मित्रों, कभी कभी क्वालिटी खराब हो जाती है इंटरनेट की स्पीड की वजह से, तो आप लोग बिल्कुल अपना विश्वास न खोएं, इसी तरह से विश्वास बनाए रखें। हर दिन सुबह 8 बजे से कक्षा 10 NCERT गणित देखें और आगे बढ़े। जी हाँ, चलिए आगे देखते हैं। जो N की वैल्यू आई है 13 ना, इस 13 को हम N की जगह पे रखेंगे हर जगह, तो ये हो जाएगा 13/2 और ये 2 × A का मान 34 और प्लस N की जगह पे 13 - 1 × -2, क्लियर। हल करेंगे 13/2, कोई दिक्कत है तो निसंकोच बोलिएगा, फटाफट आगे बढ़ते रहिए, है ना। यहाँ पे आप N की जगह पे 13 रख दीजिए, क्योंकि हर जगह हमने N का वैल्यू 13 रखा है। ओ, यहाँ तो ये नहीं रहेगा, यहाँ यह 13, अब ये 34 × 2 हो जाएगा 68 और ये घटेगा तो 12 आएगा, गुणा होगा तो -24, यानी ये हो जाएगा -24। इस तरह से ये 13/2 गुणा इसमें से घटेगा तो 8 से 4 जाएगा 4, ये 4 = 44 आएगा, काट देंगे तो 22 आएगा, फाइनल में आपका बनेगा 13/22। गुणा कर लीजिए 13 × 2 = 26, हासिल 2, 13 × 2 = 26 = 28। नोट कर लीजिए, यह आपका योगफल आ गया 286, ये उत्तर में आपके दिया है, फटाफट लिखिए।
वीडियो को रोक लीजिए स्क्रीन पे टच करके, पॉज करें और फिर लिख लीजिए। लिखने के बाद फिर आगे बढ़िए अगले सवाल पे, जल्दी करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था अभ्यास 5C का क्वेश्चन नंबर, माफ करिएगा यहाँ पहला लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट था, 5C अभ्यास 5C मनोहर प्रकाशन के बुक के अकॉर्डिंग 2019। आगे चलें, नेक्स्ट सवाल देखिएगा ध्यान से, इसी में का तीसरा सवाल आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फटाफट। दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे देखिए। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया बाबू तो जल्दी से कर दें, बिल्कुल HD क्वालिटी में दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना, तुरंत करें। देखिए इसको करना क्या, हमें जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे ध्यान दीजिएगा। पहले तो लिखेंगे क्या क्या दिया है, ए बराबर दिया है 7, डी बराबर कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे या फिर इसमें से इसको घटाएंगे, 2 × 20 = 21/2, यानी कि 21/2 से हमें 7 घटाना है। चलिए घटा लेते हैं क्रॉस मल्टीपल, 21 − 14/2 ये हो जाएगा 7/2, कितना आएगा 7/2, मतलब जो सर्वांतर आया वो 7/2 आया है ना। और ए एन बराबर दिया है लास्ट वाला पद यानी कि 84। चलिए अब हम यहां से ए एन की सहायता से एन की वैल्यू निकालते हैं और फिर योगफल वाले सूत्र में रख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए ये पहला हम छोटा सा आजमाते हैं सूत्र, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 × d, ए एन का मान 84, ए का मान 7, इस एन का मान निकालना है, डी का मान 7/2, ये आ जाएगा 84 प्लस, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, अभी कुछ मत करिए ना ना गड़बड़ हो जाएगा, गुणा गुणा मत करिए, ध्यान दीजिए यहां से अगर आप, तो ये गौर करने लायक है कि आप 7 को इधर ले आइए पहले चुप्पे से, तो ये -7 हो जाएगा, एन माइनस 1 × 2 बच रहा है 7/2 है ना, इसमें से 7 घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 67 है, सही है ना। इधर से गुणा में आएगा, इधर आके भाग में हो जाएगा, भाग में मतलब ये 7/2 हो जाएगा बराबर एन माइनस 1। अब देखिए यहीं से इनका सारा सिस्टम शुरू हो चुका है, ये 7/2 जो है ना, ये क्या करेंगे हम, ये 67/1 लिख करके इसको गुणा लगा के पलट देंगे और 2/7 हो जाएगा, इस तरह से एन माइनस 1 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो निसंकोच बोलिए तुरंत। देखिए इसमें कंफ्यूजन एक जगह ये है ना बाबू, इसमें से ये घटेगा 7 तो ये 67 नहीं 77 आएगा, इसीलिए तो मैं सोच रहा था कि ये कट काहे नहीं रहा है, ये देखिए यहाँ 77 आएगा, अब तो आसान हो गया ये कट जाएगा, तो 7 का कटेगा 11 आएगा, 11 दुना ये हो जाएगा 22 बराबर एन माइनस 1 इक्वल ये हो जाएगा 22 − 1 बराबर एन, मतलब 23 बराबर एन आएगा, कहने का मतलब एन का मान 23 आ गया है ना। अब वही योगफल वाले सूत्र में रख दीजिए, आपका कंप्लीट फाइनल आंसर आ रहा है। देखिए ये फार्मूला होता है SN=n/2 2a + n − 1 × d है ना, इसी में रख दीजिए, बस कंप्लीट उत्तर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से फटाफट करें, तुरंत मान रखें, कोई दिक्कत है तो निसंकोच बोले। चले आगे, देखिए कैसे करेंगे इसको गौर करिएगा। देखिए एन का मान हमारा आ गया 23, एन का मान रख देंगे 23, तो यस 23 इक्वल ही हो जाएगा 23/2, 2 × 1 का मान सबसे पहले था 7, धन इस एन का मान 23 − 1 × आ गया डी, डी का मान आया था 7/2 है ना, ये बड़ा कोष्ठक। तो चलिए आगे चलते हैं, 23/2 ये हो जाएगा 14 × 10, इसमें से घटेगा तो जाएगा 22, 2 से कट जाएगा तो 11, और 11 का 7 में गुणा हो जाएगा 77। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा, बिल्कुल निसंकोच कमेंट करिएगा जो भी आंसर आए। अब देखिए ये हो जाएगा 23/2 और गुणा
सात चार 11 हासिल है, एक 7 1 8 1 9 91 आया। अब इसे अगर आप काटेंगे तो कटने वाला नहीं है, गुणा कर लेंगे तो 2093 आएगा लगभग में। अभी हम आपको दिखा देते हैं, क्लियर, बटा 2 हो जाएगा। 2093 बटा 2 से आप 2 से जब भाग देंगे तो 1046 है, 1/2 आएगा लगभग में। कितना आएगा? 1046 है, 1/2 भाग दे लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, ठीक है? कोई कंफ्यूजन है तो निसंकोच बोलिएगा, नीचे लिखा गया 1/2। ओके, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे सारी बातों को, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। एक नज़र में देख लीजिए पूरा सवाल आपके सामने, जल्दी करें, हो गया ना? तो याद रखें समय हर दिन सुबह 10 बजे से। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कैसे होता है ना, पहले यन का वैल्यू निकालेंगे जो भी दिया गया है, और फिर उसमें से योगफल का फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। क्यों ऐसा करते हैं? पहले वाले सूत्र में तो हम डायरेक्ट रख देते थे मान, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये श्रेणी ना जो है वो बड़ा अजीब सा दी गई है, आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर आप डायरेक्ट जो है वो मान नहीं रखेंगे क्योंकि एन का मान नहीं दिया गया हो। ओके, अगर कहा जाए कि पदों तक तो आप रख सकते थे। अगर यहाँ पर लिख दिया जाए 84 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब ये श्रेणी दी गई है, यहाँ पर लिखा जाए कि 84 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए, तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, ये सब नहीं करना है। लेकिन अगर यहाँ तक नहीं दिया है, इसका मतलब ये श्रेणी अभी और आगे जा रही होगी, ठीक ना? तो पहले हम एन की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ही आगे चलेंगे। मतलब कि कहने का ये 84 जो है वो कितना पद है, कौन सा पद है, ये अनुमान लगाएंगे। कोई कंफ्यूजन है निशान कुछ कमेंट कर सकते हैं। चलते चलते आपको बता दें, इसको आपने लिख लिया होगा तो फटाफट व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो कृपया क्लास अवश्य ज्वाइन कर लें, नहीं तो हो सकता है कि आपको कल की क्लास ना मिल पाए और फिर आप अगली क्लास से वंचित रह जाए। इसलिए आप इस नंबर को नोट करें, इस पर JOIN ज्वाइन लिख करके भेजें और क्लास अवश्य ज्वाइन करें। अगर आपने क्लास ज्वाइन कर लिया तो समझ लीजिए आपने कंप्लीट कोर्स प्राप्त कर लिया। इसके अलावा विजिट करें आपकी अपनी pvrstudy.com और पाएं अपना कंप्लीट स्टडी मटेरियल pvrstudy.com पर। इस क्लास को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया pvrstudy को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया इसे फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप फेसबुक पर pvrstudy सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको पेज मिलेगा और उसे लाइक करना है पेज को। समझ गए? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, फिर से एक नई उम्मीद के साथ मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका अपना चैनल pvrstudy देखते रहें और दोस्तों में अवश्य शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। चलते चलते आपको बता दें, ये क्लास जिस टाइम रिकॉर्ड हो रही है उस समय 2:18 और 35 सेकंड हो चुके हैं, जो कि रात्रि का टाइम है, और इसलिए रिकॉर्ड हो रही है क्योंकि सुबह आप जानते हैं 8 बजे लाइव नहीं चलेगी, फिर आपको दिक्कत होगी, फिर नेटवर्क नहीं आएगा। तो ऐसे अच्छा है कि भाई क्लास चलनी चाहिए, चाहे 2 बजे या 5 बजे। थैंक यू।